नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपी न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत दोस्ती। आप खास लम्हे में हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव संजीव यादव जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे 2022 चुनाव को लेकर, जहां पर राजनीतिक पार्टियां अपना जोर शोर से दम दिखाने में लगे, सारे उम्मीदवार प्रत्याशी भी अपना जमखम दिखाने में लगे और जनता के बीच में जाना शुरू करते हैं कि 2022 का चुनाव हमारे साथ नजदीक आ चुका है। खास लम्हे में हमारे साथ हैं संजीव यादव जी। संजीव यादव जी, पहले हमारे चैनल स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया भाई को। जैसा कि 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, सारी पार्टी अपना दमखम दिखाने में लगी हैं, तो समाजवादी पार्टी का मेन उद्देश्य क्या होगा? समाजवादी का मेन उद्देश्य ये है कि समाजवादी की सरकार बन रही है तो जनता को बहुत, हमारी किसान भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें, सबको खुशहाल रास्ते पे लाएंगे और खुशहाल देश बनाएंगे और हमारे किसान भाइयों को जो इतना पीड़ित किया जा रहा है, हमारी बहनों को जो पीड़ित किया जा रहा है, अभी हाल ही में देख लीजिए आप लखीमपुर, ये तो मैं देखा था कि पीछे से वार किया जा रहा है, मगर आज लोग क्या कर रहे हैं, वो बहुत दर्दनाक घटना हुई। अभी हाल ही में देख लीजिए आप जो हमारे जनरल बिपिन रावत जी की एक बहुत दुखद घटना हो गई। तो यही समाजवादी की सोच है कि सभी को खुशहाल का रास्ता दिखाएगी। आने वाले 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, सारी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हैं, तो समाजवादी पार्टी का भी मेन उद्देश्य होगा कि यहां से भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए, इस बारे में बैठा देना है। अकेल बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, जो बीजेपी के हथकंडे अपना रहे थे वो हथकंडे अब अपनाना नहीं चाहेंगे और ना कर पाएंगे। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और हमारे किसान भाई, हमारी जनता ही इनको बहुत दूर भगा रही है। हमारी जनता ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी, हमारी जनता ही सब करने वाली है। जनता के साथ क्या नहीं किया, जनता के साथ इतना किया कि जनता हमारी बहुत दुखद है, किसान हमारे भाई सभी बहुत दुखद है। कोई भी पार्टी हो मगर समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सब जनहित के काम, जनहित के उस कार्य में कार्य करती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी अभी देख लीजिए गांव-गांव में सांसद विधायक घुसने नहीं दे रहे हैं हमारी जनता, और अंदर जाए नहीं दे रही, भी देख लीजिए गड्ढा मुक्तियां हो गए, खाली झूठे वादे और झूठे जुल्मेबाजी सिर्फ 5 साल यही सरकार कर रही है और कोई सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ये बाबा गोरखपुर जाने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री अगले जी 2022 में बनने वाले हैं मुख्यमंत्री और हमारी जनता ही बनाने जा रही है। जैसे कि एक साल से प्रापर किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान अब आप ही देख लीजिए भाई कि एक साल से ज्यादा हो गए जो ये बिल तीनों पास किए थे, कानून बिल, ये तीनों बिल हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी, हमारी जनता धरने में बैठे रही, अपनी मांग कर रही थी, इन्होंने कुछ नहीं सुना। सिर्फ कितने 800 हमारे किसान भाई शहीद हो गए, क्या उनको लौटा देंगे? ये बिल अब वापस क्यों लिए हैं? हमारी जनता भी जान रही है, हमारी माताएं भी जान रही है, हमारी बहनें भी जान रहे हैं, ये सिर्फ इन्होंने बिल काला बिल वापस ले लिए कि अब चुनाव आ गया है नजदीक, अभी सबको लॉलीपॉप दे रहे हैं, अभी राशन बताए हम दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। अरे ये तो पूछे तेल हमारे कितना किसान भाई है जो खरीद नहीं पा रहे हैं। अभी इन्होंने सोचा किया था कि हम सरसों का लागत दे देंगे, सरसों लागत बताइए वही किसान हमारा 400 रुपए में बेचता है, उसके बाद तेल लेने जाता है तो बताइए कितना दोगुना तेल देते हैं। अभी इन्होंने धान पे MSP लागू की, दे दी उन्होंने, कहीं नहीं दी।
जैसा कि 2022 के पहले जैसे कि कई अन्य पार्टियां सरकार में रही, सत्ता में रही, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, कई भी पार्टी यहाँ पर 2022 में मुख्यमंत्री के पहले मुख्यमंत्री सरकार में रही। अब जैसे भाजपा सरकार का मेन उद्देश्य था कि यहाँ पर गड्ढा मुक्त सरकार होगा और जैसा देश को उज्जवल बनाया जाएगा, इस बारे में क्या कहना है? देश तो उज्जवल बन ही गया भाई, आप चलो बेहतर जानते नहीं, हमारे मीडिया भाई सभी जानते हैं, इतना उज्जवल बन गया है कुछ बचा ही नहीं, गड्ढा सारे मुक्त हो गए हैं, किसान को आय दुगनी कह दी थी, किसान की आय दुगनी हो गई, जीरो कर दी। बताइए क्या ऐसा कोई काम बता दे हमें, कोई एक काम जो करके दिखा दे, केवल माननीय अखिलेश जी के जितने वादे थे, वादे से ज्यादा उन्होंने काम करके दिखाया और हमारा देश कितना खुशहाल हो गया था। विधान हमारा संविधान इतना खतरे में पड़ गया है, संविधान हमारा इतना खतरे में पड़ गया कि संविधान को बचाने के लिए हम लोग 2022 में संविधान को नया बनाएंगे, जो हमारे बाबा साहब बना गए थे उस संविधान पे सिर्फ समाजवादी पार्टी चलती है, कोई पार्टी नहीं चलती है। जैसा कि देखा जा रहा है कि 2022 के पहले जो आने वाले यहाँ पर बीकेटी विधानसभा सीट से या जो विधायक प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार हैं, जैसा कि आपको टिकट यहाँ से बीकेटी से मिलता है, तो आप किन किन मुद्दों पर कार्यरत करेंगे? जो हमें माननीय अखिलेश जी का हमें आशीर्वाद मिला और टिकट मिला, तो मैं अपनी जनता को खुशहाल बनाऊंगा, हमारे किसान भाई को जो इन्होंने हमारे किसानों के साथ दुराचार किया, अत्याचार किया, किसान को हम खुशहाल बनाएंगे, किसान को नाली रोड बिजली फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट माननीय अखिलेश जी ने कहा है, राशन 5 साल फ्री देंगे और जितने वादे हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं वो पूरे करते हैं। ये हमारी सरकार कोई जुल्मेबाजी सरकार नहीं है, ये अपने बात और अपने वादे से कई गुना काम ज्यादा करते हैं और हम हमेशा यही सोचेंगे कि हमारी जनता को, अपनी जनता को, विधानसभा की जितनी जनता है अपने साथ लेकर चलेंगे, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, अपने भाई सबको एक साथ रखेंगे और बढ़िया खुशहाल रास्ता दिखाएंगे और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए हम लोग अच्छा बेहतर काम करेंगे। ये थे हमारे साथ में पूर्व प्रदेश सचिव संजीव यादव जी ने, जिन्होंने बताई है कि 2022 के विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव है उसको कुछ ही समय बचा है और कुछ ही समय बाद समाजवादी सरकार की आने वाली है। कैमरा पर्सन पायल मिश्रा के साथ में पत्रकार प्रशांत अवस्थी, लखनऊ।